और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी, 50 रूसी सैनिकों का सरेंडर यहां पर हुआ है। यूक्रेन के सामने रूसी सैनिकों का सरेंडर, रूस के अंदर यूक्रेन की घुसपैठ, 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है और ये तस्वीरें इसी सरेंडर की हैं। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास 50 रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सामने सरेंडर किया है। तो यूक्रेन ने सभी सैनिकों को अब वॉर प्रिजनर यानी कि जंग का कैदी बना दिया है। बीते कई दिनों से रूस यूक्रेन की जो जंग है वो और तेज होती चली गई थी। बॉर्डर इलाकों में दोनों ओर से भारी बमबारी भी हो रही है। इस बीच खबर ये कि यूक्रेन की सेना ने भी रूस पर आक्रमण किया और इसी से देखिए कहीं ना कहीं यहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं कि रशिया के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन लगातार तेजी के साथ अपने हमले तेज कर रहा है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस के सैनिकों का सरेंडर ये दावा किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब तक रूस पूरी तरह से हावी यूक्रेन पर नजर आ रहा था और रूस के मुकाबले यूक्रेन एक काफी छोटा सा और कमजोर देश है। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना रूस की सरहद के अंदर घुसती है और वहां के सैनिकों का सरेंडर करा पाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि 2.5 साल से जो जंग चल रही है इसमें हथियारों की मदद से यूक्रेन जो है वो लगातार रूस का मुकाबला तो कर रहा है लेकिन पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें वो ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। गोले दाग रहा है, एक के बाद एक निकलते ये रॉकेट यूक्रेन में तबाही की इबारत लिख रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं जहां जहां 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं जहां उनका पहुंचना मुश्किल है। याचिका में कहा गया कि छात्रों को उनके परीक्षा शहर के बारे में 31 जुलाई को सूचित किया गया था, परीक्षा केंद्र के बारे में 8 अगस्त को जानकारी दी जाएगी जबकि परीक्षा 11 अगस्त को होनी है और इतने कम समय में छात्रों का केंद्र पर पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया लेकिन बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया और इस बीच किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि स्पीकर ने कहा है कि वो सभी दलों से बातचीत करके जेपीसी का गठन करें। चुनाव आयोग इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ आयोग ने बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दोनों आयुक्तों के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त आज राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों और प्रशासन से मिलने के लिए जम्मू का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की समय सीमा तय की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सिसोदिया करीब 18 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। ये मनीष सिसोदिया की तीसरी जमानत याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सामने रखेगी और ऐसे में पिछली सुनवाई की बात करें तो इसके बाद 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतकर भारतीय स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनु भाकर से मुलाकात की और पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने पर उनको बधाई दी। मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की साथ ही भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।